लोकसभा चुनाव 2024 मतदान से जुड़ी अहम खबर है। प्रदेश की 25 सीटों पर 62.10% हुआ है मतदान। प्रथम चरण में 12 सीटों पर हुआ है 58.28% मतदान। दूसरे चरण में 13 सीटों पर हुआ 62.52% मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किए विधानसभा वार मतदान के आंकड़े भी। नोखा में सबसे कम 40.21% मतदान हुआ है। वहीं बायतू घाटोल में सबसे ज्यादा 82.15% हुआ है मतदान। लोकसभा सीट के हिसाब से सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर में 75.93% मतदान हुआ है और सबसे कम करौली धौलपुर सीट पर 49.59% हुआ है मतदान। तो वोटिंग परसेंट जारी किया गया है। प्रदेश की 25 सीटों पर 62.10% मतदान हुआ है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, वोटिंग परसेंट सामने है अगर कुल 25 सीटों की बात करें तो, लेकिन सबसे अहम बात ये कि पिछली बार से ये वोटिंग परसेंट कम है, इसे कैसे देखा जा रहा है विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर ये करीब करीब 5% वोटिंग प्रतिशत कम है, क्योंकि 62.10% वोटिंग हुई है और पिछले जो 2019 में लोकसभा चुनाव था उसमें 67% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। तो 5% कम है वोटिंग, और इसका विभिन्न कारण माना जा रहा है। गर्मी कारण माना जा रहा है, जो सावे हैं, शादी का सीजन है, वो कारण माना जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो एक उदासीनता देखी गई वो कारण एक बड़ा माना जा रहा है। एक लेकिन इस पूरे जो परसेंटेज का एक अलग तरह का विश्लेषण करें तो 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मात्र शक्ति यानी जो महिला मतदाता हैं उन्होंने अपनी वोट की ताकत दिखाई है। अगर बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और जालोर में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, और दूसरे चरण की बात करें तो पाली में भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये झुंझुनू खासतौर पे मैं रेखांकित करना चाहूँगा क्योंकि झुंझुनू में जो है वो वोटिंग प्रतिशत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जो महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों से ज़्यादा है, यह एक सिग्निफिकेंट बात सामने आती है। और उदयपुर में अगर बात करें तो 65.36% पुरुषों ने, 68.01% महिलाओं ने वोट किया है। राजसमंद 57.63% पुरुषों ने, 59.58% महिलाओं ने वोट किया है। बांसवाड़ा में 72.05 पुरुषों ने, 75.75% महिलाओं ने वोट किया है। झुंझुनू की बात करें तो 51.92% पुरुषों ने और 54.03% महिलाओं ने वोटिंग की है। सीकर में भी वोटिंग प्रतिशत इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं ने बाजी मारी है। 56.56% जो पुरुषों ने वोटिंग की है तो 58.92% महिलाओं मतदाताओं ने वोटिंग की है। रही बात ये तमाम कारणों के विश्लेषण की कि वोटिंग प्रतिशत कम कैसे रहा, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और तमाम तरह के उपाय यहाँ पर किए गए थे, और ये कहा गया था कि जो स्वीप कार्यक्रम है, स्वीप कार्यक्रम को बहुत व्यापक रूप से यहाँ पर समझाया गया था, बहुत व्यापक रूप से चलाया गया था। एक मन में, मतदाता के मन में यह बात डालने की कोशिश की गई थी कि सिग्निफिकेंट रूप से आपको मतदान करना ही है, सुबह ही मतदान करना है, ये बात करने की कोशिश की गई थी, और हैप्पी आवर्स में मतदान करना है, ये बात बिठाने की कोशिश की गई थी। जो पहले चरण के अनुभूति थी उसको देखते हुए, जो कड़वे अनुभव थे उसको देखते हुए दूसरे चरण में शादी ब्याहों में भी, समारोह में भी यह बात कहलवाने की BLO द्वारा कोशिश की गई कि जो सुबह के जो हैप्पी आवर्स है उसमें वो वोटिंग कर ली जाए दूल्हे द्वारा, दुल्हन द्वारा, बरातियों द्वारा और अन्य जो भी सगे संबंधियों द्वारा, ताकि जो एक बड़ा वर्ग छिटक के दूर चला जाता है कि शादी ब्याह के चलते वोटिंग नहीं हो पाती, वह भी नहीं हो। लेकिन ये तमाम बातें इसलिए व्यावहारिक रूप से कुछ संभव नहीं लगी कि एक बात तो कह दी गई कि BLO के ऊपर एक जिम्मा तो डाल दिया गया कि पर्ची वितरण का, अन्य वितरण का और इस तरह से शादी ब्याह में कहलाने का, लेकिन एक सक्रिय रूप से जो फील्ड में प्रयास देखने को मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं वहाँ पर कमी नज़र आई, क्योंकि वो मॉनिटरिंग जो जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर होनी थी वह मॉनिटरिंग
जो अन्य जो तमाम जो मुख्य जो चुनाव से जुड़े अधिकारी थे जिला स्तर पर, वो मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती दिखी, जिस इसी वजह से ये एक बड़े वर्ग को एकजुट करके और वोटिंग करने में असफल माना। दूसरी ओर अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टियों में जो दोनों ही दल हैं वो अलग तरह के उसमें रहे, जो एटीट्यूड में कह सकते हैं कि एक वर्ग ये मानता रहा कि अति उत्साह अति आत्मविश्वास मानता रहा कि हमारे पक्ष में वोटिंग होगी ही होगी, एक वर्ग ये मानता रहा कि जो जब काफ़ी कुछ हाथ से छिटक गया है और कई कई जगह एजेंट भी नहीं है बूथ में, तो वह वर्ग ये मानता रहा कि हम मतदाताओं को घेर कर क्यों लाएं या किस तरह से उसमें उत्साह भरे कार्यकर्ता में जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को घेर कर लाएं। तो ये बड़ी कमी, और इस बड़ी कमी की वजह से करीब करीब 5% मतदान छिटका है, और ये एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से भी, और जो निर्वाचन विभाग है उनकी तमाम टीम की ओर से भी। और एक दूसरी बात जो देखने में सामने आती है कि हाल में जो जितने दूसरे दो चरण तक के जो चुनाव हुए हैं देश भर में जितने भी जगहों पर हुए, उनमें ज़्यादातर जगहों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। तो व्यापक स्तर पर भी इसको एक चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, और ये बताए जाने की ज़रूरत है कि क्यों एक नैरेटिव मतदाता के मन में सेट नहीं कर पाया निर्वाचन विभाग भी, राजनीतिक दल भी क्यों नहीं सेट कर पाया, कि या फिर ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया मतदाता के मन में कि वह एकदम से उत्साह के साथ जिस तरह से वोटिंग होती है वह करके नहीं आया। ख़ास तौर पर जब बात की जाए, अगर घंटों के हिसाब से बात टाइम को बांटा जाए तो लास्ट के जो 3 से 6 बजे का जो समय रहा उसमें वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रही, तो यह मान सकते हैं, और 12 से 3 में भी इतना सिग्निफिकेंट उछाल नहीं आ पाया। तो जो वोटिंग जो मुख्यतः रही है वो मुख्यतः जो सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक का समय था उसमें रही, लेकिन वो इतना बड़ा अंतर पैदा नहीं कर पाई जिससे वोटिंग प्रतिशत 70 तक चला जाता या कोई रिकॉर्ड तोड़ देता या फिर कम से कम इतनी राहत तो देता कि पिछली बार का जो वोटिंग प्रतिशत है उसके आसपास ये वोटिंग प्रतिशत आ जाता। तो निश्चित रूप से ये तमाम बातें देखने लायक होंगी कि किस तरह से, चलिए ओवरऑल मान भी लेते 5% का ही डिफरेंस है, और कारण भी बताए जा रहे हैं, सावे वजह बताई जा रही, गर्मी वजह बताई जा रही है, स्वीप कार्यक्रम भी इतने किए गए लेकिन शायद असर नहीं हुआ, लेकिन उदासीनता जो आपने शब्द का इस्तेमाल भी किया वो सबसे अहम है। लोगों में उस कदर उत्साह खुद से क्यों नहीं है वोट डालने का, कम से कम इतना तो होता कि नोखा में 40% अगर वोटिंग हो रही है तो ये तो सोचने वाली बात है, एटलीस्ट 50% तो कम से कम हो, अगर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं लोग या कुछ भी, लेकिन 40% अगर कहीं पर हो रही है वोटिंग। बिल्कुल श्वेता, और एक दूसरा पहलू ये देखने को मिला, जो मैंने 8 लोकसभा क्षेत्र बताए उसमें महिलाओं ने एक तस्वीर सामने दिखाई है पुरुषों के आगे कि भाई हम चूल्हे चौकी से बढ़कर आगे वोटिंग करने जा सकते हैं, तो पुरुषों का इतना बड़ा वर्ग है वो क्यों वोटिंग करने नहीं जा पाता, तो यह एक तस्वीर उस रूप में सामने आती है। तो इसके जो अलग मायने हैं उसको उस रूप में सबक लेने की भी ज़रूरत है। दूसरी बात जो आपने ये कही कि 40% तक का ही वोटिंग प्रतिशत, तो इसका यह माना जाए कि यह वोटिंग प्रतिशत क्या अगर इसमें कुछ ऐड किया जाए तो ये 1 या 2 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत अगर हम लिया जाए नोखा का, तो ये मूलतः मुझे जो लगता है वो 30 से 33% के आसपास होता होना चाहिए। तो मैंने जो बात कही कि जो दोपहर 3 से 6 बजे तक की जो वोटिंग है वो इतनी नहीं हो पाई, दोपहर 1 से 6 बजे तक की वोटिंग है वो इतनी नहीं हो पाई, तो ज़्यादातर वोटर ने ये दिखाया कि दोपहर 12 बजे तक हम वोट करेंगे, या फिर श्वेता इसका उल्टा प्रभाव पड़ा कि जो हैप्पी आवर्स में वोटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा अपील की, तो इसको इस रूप में देखा मतदाता ना कि जो भी हम वोटिंग करेंगे वो करेंगे दोपहर 12 बजे से पहले, तो इस रूप में भी ये देखने को मिला, तो इसका ये नेगेटिव असर भी एक समझ सकते हैं। जी जी। लेकिन
इन तमाम बातों के बीच कहीं ना कहीं लुबोलुभाव यही बात उभर कर सामने आती है कि आखिरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और राजनीतिक दलों की इतनी ज़्यादा जो टीका टिप्पणी और इतनी ज़्यादा अपनी बातों को कहना, अपने मुद्दों को रखना सामने, इसके बाद ये वोटिंग प्रतिशत जब फील्ड में नज़र नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये मायूसी सामने आती है और एक आत्ममंथन की ज़रूरत यहाँ पर सब तरह से जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके सोचने वाली बात भी जरूर है कि करोड़ों खर्च भी कर दिया जाए, कार्यक्रम भी कर दिया जाए, फिर भी लोगों के जहन तक ये बात क्यों नहीं पहुंचा सकी, कहां पर फेलियर हुआ, ये चिंतन का विषय जरूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।